हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रिया। आज हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाएंगे। देखिए, नई स्टाइल की हमने चोली बनाई है। ये देखने में बहुत ही सुंदर है। इसमें हमने देखिए 2 कलर की फ्रिल बनाई है। इसको बनाना काफ़ी आसान है। आप भी अपना लड्डू गोपाल जी के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और जो साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करेगा। मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करेगा। चलिए बनाते हैं। 2 प्लाई की ऊन है हमारी, 3.0 mm का हुक है, नंबर में 11 नंबर का हुक है। लूप बना देंगे। अब हमें 15 चैन लेनी है। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 चैन ले ली। अब हमें 3 चैन और लेनी है, 1, 2, 3, टोटल 18 चैन हो गई हमारी। जो हमने 3 चैन लिए उसको हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, हुक पे बल लेंगे, 1, 2, 3 चैन स्किप कर देंगे और जो हमारी 4th चैन है उसमें हुक डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। जो हमने 3 चैन स्किप करी है उसको डबल क्रोशिया काउंट करना है और एक हमने बनाया है, 2 हो गए। सभी चैन के अंदर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हुक पे बल लेंगे, चैन में हुक डाल के धागा पिक करके लाएंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। सभी चैन के अंदर से बना लेंगे। ये हमारे 16 डबल क्रोशिया बने हैं। 3 चैन लेनी है, वर्क टर्न कर लेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, जो हम 3 चैन लेते हैं उसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। अब हमें जो हमारी बीच वाली चैन है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और लास्ट वाली चैन में आके हमें फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में 1 बनाना है, लास्ट में 1, बीच में सभी चैन के अंदर से 2-2 बनाएंगे। दूसरे चैन में हुक डालेंगे और देखिए 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 सेम जगह पे हुक डाल के 1 और बनाएंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1। 1 सेम प्लेस पे हुक डाल के 1 और बनाएंगे, 2। सभी चैन के अंदर से बना लेंगे, लास्ट में आके 1 बनाना है। दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। 3 चैन लेनी है, पलट लेंगे। अब देखिए ये हमारा 1 डबल क्रोशिया बन गया और सेम जगह पे हुक डाल के 1 और बनाएंगे। ये देखिए नीचे चैन बनी हुई है, यहाँ पे हुक डालेंगे और 1 और बना देंगे। स्टार्टिंग में हमारे 2 हो गए। अब हमें 3rd रो में हर 5वीं चैन में से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। स्टार्टिंग में 2 बनाएंगे, फिर उसके बाद 4, देखिए अलग अलग चैन के अंदर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। जो 5वीं चैन आएगी उसके अंदर से हमें 2 बार बनाना है। 1 सेम जगह हुक डाल के 1 और बना देंगे, 2। स्टार्टिंग में 2 बनाए हमने 1 चैन के अंदर से, फिर देखिए 4 अलग बनाए, 1, 2, 3, 4। और 5वीं चैन में आके हमने 2 बार बनाए। अब फिर से 4 अलग बनाएंगे, 1, 2, 3,
और जो पांचवी चैन है हमारी उसके अंदर से हमें दो बार बनाना है, एक सेम जगह हुक को डाल के एक और बना देंगे दो। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो में हमारे पास 16 डबल क्रोशिए थे, सेकंड रो में हमारे पास 30 डबल क्रोशिए बने और थर्ड रो में हमारे पास 36 डबल क्रोशिए बने, 36। अब हमें चोली की बाजू निकालनी है, फ्रंट निकालना है और बैक साइड निकालनी है। तो देखिए जो हमारे ये 36 डबल क्रोशिए आए हैं उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको देखिए फ्रेंड्स बताती हूँ इस तरह से कि हमें ये कैसे डिवाइड करना होता है। ये देखिए 36 डबल क्रोशिए हमारे, हमें फ्रंट पे 5 डबल क्रोशिए बनाने हैं। जब हम एक साइड पे 5 बनाएंगे फ्रंट पे तो दूसरी साइड पे भी हमारे 5 ही बनेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। और जो हमारी बाजू है उसके लिए हमें 8 डबल क्रोशिए छोड़ने पड़ेंगे होल बनाने के लिए। इस साइड हमने 8 छोड़े हैं तो दूसरी साइड की बाजू के लिए भी हमें 8 डबल क्रोशिए छोड़ने पड़ेंगे। और जो हमारी बैक साइड है पीछे का चोली का पीछे का पार्ट, वहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिए बनाने हैं और इन सबको प्लस करेंगे तो टोटल 36 डबल क्रोशिए बनेंगे। मैं देखिए बना के बताती हूँ आपको। थ्री चैन लेनी है, इसको डबल क्रोशिए काउंट करना है, हमें फ्रंट के लिए 5 बनाने हैं तो यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिए बनाने पड़ेंगे, 2 3 4 5। एक साइड का हमने फ्रंट बना दिया है। अब हमें बाजू निकालनी है, बाजू के लिए हमें जो 8 डबल क्रोशिए हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, हुक पे बल लेंगे पहले। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छोड़ देंगे और 9वीं चैन में हुक डाल के एक डबल क्रोशिए बना देंगे। इस तरह से हमारी ये बाजू निकल आएगी। अब जो हमारे बैक साइड में बनेंगे वो 10 डबल क्रोशिए बनेंगे, एक हमारा ये काउंट होगा 10 के अंदर ही, तो हम 9 और बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये बैक साइड हो गई हमारी चोली की। अब हमें दूसरी साइड की बाजू निकालनी है, उसके लिए हमें फिर से 8 चैन छोड़नी पड़ेगी, 8 डबल क्रोशिए छोड़ेंगे, हुक पे पहले बल लेना है फिर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 9वीं चैन है उसमें हुक डालेंगे और डबल क्रोशिए बना देंगे। ये देखिए दूसरी साइड की बाजू बन गई। अब हमें फ्रंट बनाना है, फ्रंट में फिर से हमें 5 डबल क्रोशिए बनाने हैं, इसमें से हमारा एक बन गया, ये 2 3 4 5। ये देखिए ये हमारी चोली देखिए इस तरह से आएगी। ये फ्रंट है जो आगे की साइड खुला हुआ है और ये हमारा बैक साइड है चोली का और दोनों साइड की बाजू है। ये हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें पांचवी रो में अब जो हमारी ये देखिए ये डबल क्रोशिए बने हैं ये सारे, ये हमारे टोटल 20 बनेंगे, 5 इधर की साइड है और 5 हमारे इधर की साइड है, 10 और 10 हमारे फ्रंट पे, वो सॉरी बैक साइड पे, टोटल 20 हो गए।
अब हमें 20 के ऊपर 20 ही डबल क्रोशे बनाने हैं, कोई बढ़ाना नहीं है कोई घटाना नहीं है। 3 चैन लेंगे और सभी चैन में से एक एक डबल क्रोशे बनाना है। सभी चैन के अंदर से बना के कंप्लीट कर लेंगे। चोली की 5 रो कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम ज्वाइन कर देंगे। आप चाहो तो चोली को ऐसे भी छोड़ सकते हैं खुला। मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्लिप चैन से ज्वाइन कर दूंगी। पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे और एक चैन लेके धागा कट करना है। चोली की किनारी बनाएंगे। जो हमारी ये वाली रो है यहाँ से धागा ज्वाइन करेंगे। स्लिप चैन से धागा ज्वाइन कर देंगे और सेम जगह पे ही 2 बार हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 लूप है, 2 में से एक कर देंगे और इसी जगह से एक बार और बनाएंगे। 2 लूप है, 2 में से एक कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले देखिए रो में बनाएंगे। जब हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो हुक पे बल नहीं लेते। देखिए हुक को डालना है, धागा पिक करना है, 2 लूप है, 2 में से एक कर देंगे। एक एक दो इस वाले धागे को हमें दबाना नहीं है क्योंकि हमें बाद में नोट लगाएंगे इससे। इसको ऐसे छोड़ देंगे। एक दो अब हम कॉर्नर पे आके हमें एक चैन लेनी है और देखिए यहाँ पे हम ऊपर की साइड कॉलर पे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, ऊपर की साइड हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है। हुक पे बल लेंगे, यहाँ से हुक डालेंगे स्पेस में से, 3 लूप है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसी तरह से एक और बना देंगे सेम जगह पे। देखिए एक एक स्पेस को छोड़ेंगे, जो हमारा ये वाला स्पेस है इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तीनों लूपों को एक साथ निकालना है। इस वाले को छोड़ देंगे नेक्स्ट वाले में। एक दो एक कॉर्नर पे आके हमें एक चैन लेनी है और फिर से देखिए सभी स्पेस में से हमें 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ऐसे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। किनारी बन गई है। अब हमें इसकी बीडिंग करनी है। देखिए लूप बना देंगे। फर्स्ट सेकंड और जो हमारी थर्ड रो है वहाँ से हुक को डालना है। देखिए 1, 2 तीसरी तीसरी रो की देखिए यहाँ पे, यहाँ से हुक को डालेंगे जो ये चैन का स्पेस है। देखिए यहाँ से हुक को डालना है और इस तरह से निकालना है। धागा ज्वाइन कर देंगे स्लिप चैन से
सेम जगह पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इसी जगह से तीन लूप है, तीन में से दो निकालेंगे, दो हुक पे रहने देंगे, एक बार फिर से बन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जगह से ही बनाना है, फिर से दो लूप निकाल देंगे और जितने लूप बचे हैं वो सारे एक साथ निकाल देंगे, धागा चेंज करेंगे अपने यहाँ पे, लूप चेंज कर देंगे इस तरह से, अब जो एक डबल क्रोशिया है उसको छोड़ देंगे दूसरे वाले डबल क्रोशिया की। देखिए यहाँ से हुक को डालना है, पहले बल लेंगे हुक पे, एक को छोड़ देंगे, यहाँ से हुक को डालेंगे, यहाँ से हुक को डालना है और इन धागों को देखिए जो हमारे ग्रीन कलर का है इसको हम हुक के ऊपर ही रखेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो लूप निकालेंगे, एक बार और से फिर और इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो लूप निकाल देंगे, तीन लूप बचे हैं तीनों को एक साथ निकाल देंगे, धागा चेंज करना है। ये हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं पर हमें इनकम्प्लीट बनाना है। देखिए बल लेंगे हुक पे, फिर से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट वाला है दूसरा उसकी चैन में हुक को डालना है इस तरह से, तीन लूप है तीन में से दो कर देंगे, फिर से एक बार तीनों को एक साथ निकाल देंगे, धागा चेंज करेंगे, बल ले लेंगे हुक पे और एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और जो दूसरा वाला है ये देखिए तीन लूप है तीन में से देखिए दो को निकाल देंगे, दो हुक पे रह जाएंगे, सेम जगह से एक और बनाएंगे, लास्ट में तीनों एक साथ निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये किनारी बन जाएगी, काफी सुंदर लगता है ये डिजाइन बना हुआ। अब हमें लूप चेंज करना है, हुक पे बल लेंगे, देखिए एक को हमें स्किप करना है और जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है उसकी देखिए इस तरह से चैन में हुक को डाल के और जो ये वाले धागे उनको हमें हुक के ऊपर रखना है, डबल क्रोशिया बनाएंगे पर हमें इनकम्प्लीट बनाना है। देखिए दो लूप निकालेंगे और सेम जगह से एक बार और बनाएंगे, दो लूप निकाल देंगे, लास्ट में तीन रह जाएंगे, तीनों को एक साथ निकालना है, ये धागा चेंज करना है हमें, ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी किनारी बनके तैयार हो गई है, एक चैन लेके धागा कट कर देंगे। देखिए जो हमारे ये धागे सबको पीछे ले जाके हम नोट लगा देंगे, पहले हम ये वाला धागा आपको बता देते हैं कि कैसे नोट लगानी है इसकी। यहाँ पे हमें अच्छे से नोट लगानी है, बाद में इनको कट कर देंगे। अब ये वाले धागे हैं इधर की साइड के, इनको देखिए इस तरह से पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाके नोट लगा के एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे।
देखिए किनारे कितनी अच्छी बनी है हमारी, इसीलिए हमने बाजू पे किनारी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये देखिए बाजू इससे ही कवर हो जाएगी, बाजू पे बनाने की जरूरत नहीं है हमें। आप चाहो तो इधर की साइड से भी चोली पहना सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, और इस साइड से भी पहना सकते हैं। सारे धागे कट कर दिए, देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है चोली हमारी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।